हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्काई स्ट्रगल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2019। आज का करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज इसका स्ट्रगल एजुकेशन को लाइक करें और ज्वाइन करें ताकि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी जानकारी मिलती रहे। प्रश्न है, कौन सा देश वर्ष 2019 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? ये जीता है न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इस अवार्ड की स्थापना 2013 में पूर्व एमसीसी अध्यक्ष मार्टिन जेंकिंस की याद में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम ईट राइट प्रमाणित स्टेशन कौन सा है? ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ईट राइट स्टेशन में भारतीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को स्वास्थ्य युक्त खाने और खानों का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की स्थापना 1885 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश भारत में स्वास्थ्य सेवा नवाचार केंद्र की स्थापना करेगा? ये करेगा स्वीडन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लफवेन हैं। यहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय पोषण, देखिए यहाँ पोषण होगा, भारतीय पोषण एंथम को लॉन्च किया है? ये किया है एम वेंकैया नायडू ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय पोषण एंथम को प्रसून जोशी ने लिखा है, शंकर महादेवन के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांगजन पुनर्वास के लिए किस राज्य ने सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार जीता है? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता और वाराणसी के तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा रैंक है? भारत का 5वां रैंक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में जापान प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, योगी अरविंद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। योगी अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पांडिचेरी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कराधान विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 4 दिसंबर 2019 को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जून 2020 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने की योजना की है? एक ही है रामविलास पासवान ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। इस योजना के तहत उपभोक्ता कहीं से भी राशन खरीद सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थाईलैंड सरकार ने किस वर्ष तक देश को प्लास्टिक मुक्त करने की घोषणा की है? एक ये है 2022 तक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 1 लाख से ज़्यादा जलीय जीव प्लास्टिक प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा थाई बात है। थाईलैंड का पुराना नाम स्याम है। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ एशियन गेम्स में नेपाल की अंजलि चंद ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 13 गेंदों पर बिना कोई रन दिए कितने विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ए होगा 6 विकेट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन विकास बैंक भारत की मूलभूत सुविधाओं के लिए कितना मिलियन डॉलर लोन देगा? ए देगा 206 मिलियन डॉलर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है।
एशियन विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो रिसेट 2BRI सैटेलाइट को कब लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा 11 दिसंबर को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो के चेयरमैन के सिवान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने यमुना के पानी को बेचने की मंजूरी दे दी? ये दे दी है हिमाचल प्रदेश ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपियन संघ 2020 शिखर सम्मेलन का भारत से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ये करेंगे नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ देखिए, यूरोपियन संघ की अध्यक्ष अभी उर्सुला वोन एन लियन बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के प्रोजेक्ट के लिए कितना करोड़ रुपए निवेश करेगा? ये निवेश करेगा 13,000 करोड़ रुपए। यहाँ देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। जापान की मुद्रा एन है। जापान की संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 वार्तालाप कब होगी? ये होगी 9 दिसंबर को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, यहाँ 2+2 का मतलब है दो मंत्री भारत के और दो मंत्री ऑस्ट्रेलिया की वार्तालाप होगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ क्या है? कैनबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फाबेट कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया सुंदर पिचाई को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। यहाँ पर देखिए, लारी पेज और सर्गे ब्रिन ने अल्फाबेट कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षी मलिक ने जालंधर पंजाब में सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र फ्लैग डे, यहाँ देखिए फ्लैग होगा, फ्लैग डे CAR कंक्लेव को संबोधित किया। ये किया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पंजाब के जालंधर में सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियन के पचपन किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है विनेश फोगाट ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भास्कर मेनन का निधन हुआ, वे कौन थे? वे पत्रकार हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वॉलमार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये किया है HDFC बैंक के साथ, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित किया जाएगा? एक किया जाएगा चीन के साथ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन की मुद्रा रेनमिनबी, या इसे युआन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस भाषा के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी? ये होगा संस्कृत, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। यह देश का पहला केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक मलेरिया मामलों वाले कितने देशों की सूच से बाहर हो गया ये चार देशों से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में 16 दिसंबर से फ्री वाईफाई सुविधा शुरू की जाएगी, ये शुरू की जाएगी दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के किस चरण की शुरुआत हुई, ये हुई चतुर्थ चरण की, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए उड़ान, उड़े भारत का आम नागरिक। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, ये हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।